सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। पीएम ने वाल्मीकि एयरपोर्ट, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन सहित 15,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास किया। विपश्यना साधना के बाद दिल्ली लौटे अरविंद केजरीवाल, बोले साधना से मिलती है असीम शांति। इलाज में लापरवाही का मामला, DSCRDC ने दिल्ली एम्स पर लगाया 2.5 लाख रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद में शराब के लिए माने नहीं दिए पैसे, कलयुग की बेटी ने कर दी हत्या। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 743 नए केस, 7 की मौत। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। चंपावत में बीजेपी नेता पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, कई महीनों से चल रहा था हैवानियत का खेल। हाईकोर्ट पर अमर्यादित टिप्पणी वाले वीडियो से जोड़े जा रहे सुबोध उनियाल के तार, वन मंत्री ने आवास अपनी होने से किया इनकार। दून अस्पताल में सीजन इन्फ्लुएंजा के 7 संदिग्ध मरीज भर्ती, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.97 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्री वेडिंग शूट के बीच अचानक बढ़ा गंगा का जलस्तर, खतरे में पड़ी दिल्ली के कपल की जान। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।